हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल रनिल शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है स्मार्ट शंकर और गाने का टाइटल है बोनालू। इसमें राम पोतिनेनी है, निधि अग्रवाल हैं और नबा नतेश हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं बुरी जगन्नाथ और इस गाने को गाया है राहुल सिक्कीगंज एंड मोहना भोगराजू ने। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं मनीष शर्मा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। పసుపు బొమ్మరన యాప చెట్టు కొమ్మరన ధూపమెసే దుమ్మరన అందులో అది వారమన కొత్త కుండల బోనమన్న నెత్తికెత్తెను పట్టమన్న कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि कलर्स फेंक रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई यू नो ग्राफिक्स है। वो एक्सपेक्ट नहीं किया था ब्लिंक करने का। इस गाने के लिरिक्स ऑब्वियसली माँ के बारे में था, मैं तो माँ के बारे में, तो बहुत ही अच्छे थे। जिस तरह से हर एक प्लेस के हर एक माँ के नाम ले रहे थे ना, वो अच्छा लगा मुझे। हर एक यू नो एक मेन पल्लवी बोलते ना उस गाने के, नेक्स्ट हर जगह के फेमस नाम जो है माँ के वो ले रहे थे, वो अच्छे लगे मुझे। बेजवाड़ा मैं सब माँ, कलकत्ता माँ काली, ऐसा ले रहे थे ना, वो अच्छा लगा मुझे। एंड
स्टार्ट जब हुआ था, राम जब एंटर हुए ना, उनका एक हेवी स्टेप था, मुझे लगा गाना पूरा यू नो उतनी एनर्जी में होगी, बट उससे ज़्यादा है यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं करती थी एनर्जी। एंड लास्ट में वो पता नहीं पैरों से कुछ कर रहे थे, ऐसे राउंड राउंड घुमा रहे थे, सर्कल डाल रहे थे हाउ मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगता है और एक बार देखना पड़ेगा रिवाइंड करके वो क्या उन्होंने बाद में जब सब लोग बैकग्राउंड डांसर्स उनको पकड़ के नो पीछे लीन करवा रहे थे, तब एक सर्कल ऐसे कर रहे थे अपने एक पैर से, जब सब लोग पीछे हट गए तो ये सिंगल एक स्टेप करते हैं, वो भी कुछ अलग ही था आई डोंट नो कैसे किया उन्होंने, बट बहुत ही अच्छे स्टेप्स थे, बहुत ही हार्ड स्टेप्स थे, बट इन्होंने बहुत यू नो स्मूथली इजीली कर डाला विदाउट एनी यू नो स्ट्रेन या स्ट्रेस के अच्छा लगा। एंड वो माहौल जिस तरह से वहाँ उन्होंने सेटिंग्स जो भी उन्होंने मूर्ति को यू नो लगाना, एंड कुछ लोग माँ की तरह यू नो वो पहन के आना, कॉस्ट्यूम्स पहन के आना, एंड पोतराजू की तरह आना, वो सब इस तरह से लग रहा था कि हम एक्चुअली उस बोनालू फेस्टिवल में है बहुत ही यू नो रियल लाइफ की तरह लग रहा था वहाँ। एंड प्लेस भी जिस तरह से नॉर्मली हम मूवीज़ में क्या देखते हैं कि डांस करने वालों के लिए एक सेपरेट जगह होती है, आजू बाजू ज़्यादातर लोग नहीं रहते हैं, बट ये बहुत ही कंजेस्टेड लग रहा था जो रियल लाइफ में होता है, क्योंकि जो भी नाचते रहते हैं उनको सर्कल करके रखते हैं, ज़्यादा उनको स्पेस नहीं मिलता है, थोड़ा स्पेस मिलता है उसी में कर देते हैं, और ये भी वैसे ही कर रहे थे जहाँ जहाँ डांसर्स थे सिर्फ वही जगह खाली थी, और सब लोग यू नो जो भी भक्त देखने आते हैं ना, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, रियल लाइफ बहुत ही नियर टू रियल लाइफ लग रहा था, तो इसीलिए वो शायद इसलिए थोड़ा अच्छा लगा, ज़्यादा अच्छा लगा। लिरिक्स बहुत अच्छे थे, इन्होंने डांस बहुत अच्छा किया, और नभा नतीश एक है और एक एक्टर का पता नहीं मुझे, एंड शी इज़ नॉट निधि अग्रवाल आई एम श्योर। तो वो जब स्टार्टिंग में वो जब गाती है ना एक लड़की माँ के सामने, उनका नाम पता नहीं मुझे, बट उन दोनों ने भी अच्छी तरह से सपोर्ट किया, ज़्यादा उनके ऊपर हाईलाइट नहीं किया, मेन राम पोतनीनी जी के ऊपर ही था, तो एनीवेज हमको मेन फोकस माँ के बारे में था, तो जिस तरह से उन्होंने उनकी मूर्ति दिखाई, एंड वो बहुत ही यूनिक मूर्ति लग रही थी, मैंने इस तरह की मूर्ति कहीं नहीं देखी है, मैंने लाइक जब भी बोनालू फेस्टिवल्स होते हैं या फिर यू नो जब भी हम कोई इस तरह के बोनालू फंक्शंस में फेस्टिवल्स में जाते हैं तो वो मूर्तियाँ माँ काली की तरह होती हैं, 10 सिर ऐसे होते हैं, बट इस तरह का मूर्ति मैंने कहीं नहीं देखा है, सिर तो हैं बट उनके ऊपर और एक लाइक पिरामिड की तरह बना हुआ था वो मैंने कहीं नहीं देखा, ये बहुत यूनिक लग रहा था देखने में, अच्छा भी लग रहा था। एंड वो जो कलर्स जब ये लोग नाच रहे थे हवा में, कुछ कलर्स आ रहे थे ना, कुछ कलर बॉम्ब्स की तरह आ रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, पिंक येलो ब्लू ग्रीन, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, लाइक सीजीआई लग रहा था, बट मोस्टली सीजीआई लग रहा था, आई एम नॉट श्योर कि वो रियल कलर्स थे या फिर सीजीआई में ही उन्होंने ऐसे कुछ किया है, आई एम नॉट श्योर बट हो सकता है, बट बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फिर मिलते हैं अगले रेश में, तब तक के लिए बाय।